वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और हमेशा से हमारे शो में यह कोशिश रहती है कि हम आपको मिलाएं रिनाउंड मेडिकल एक्सपर्ट्स और सुपर स्पेशलिस्ट से। और आज के शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, जो पिछले 12 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक रिनाउंड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन है, हजारों पेशेंट्स की लाइफ को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। फाउंडर ओनर डायरेक्टर है जेनिथ प्लास्टिक सर्जरी सेंटर इंदौर में, और अगेन बहुत पसंद किया जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं इनके। तो आज हम इनसे बात करेंगे लाइपोसक्शन के बारे में, बट इससे पहले डॉक्टर सुमित, वी वेलकम यू टू आवर शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमित। आज हम बात करने वाले हैं आपसे लाइपोसक्शन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं उनको ये बताइए कि लाइपोसक्शन क्या होता है और इसके जो रिजल्ट्स हैं, मतलब हमने ऐसा सुना है कि बस इससे पतले हो जाते हैं, तो क्या वो परमानेंट रिजल्ट्स हैं? लाइपोसक्शन मींस, जो नाम में ही समझ में आ रहा है कि लाइपो मतलब फैट और सक्शन मींस रिमूव करना। सो इस प्रोसीजर में हम लोग जो फैट रहता है, एक्स्ट्रा फैट रहता है, सबक्यूटेनियस या स्किन के नीचे जो फैट रहता है उसे सक्शन करके निकालते हैं। तो ये प्रोसीजर डिफरेंट पार्ट्स में की जा सकती है, अब्डोमेन में, थाइज में, आर्म्स में, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो इसमें बहुत सिंपल प्रोसीजर रहता है, बिल्कुल एक छोटे से होल से, पिन पॉइंट होल से कुछ सॉल्यूशन इन्फिल्ट्रेट करते हैं, फैट को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसी होल से उसको सक्शन करके निकालते हैं। अब ये परमानेंट होगा या टेम्प्ररी होगा, इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम किस एज में कर रहे हैं। नॉर्मली 18 इयर्स के बाद नए फैट सेल नहीं बनते हैं बॉडी में। सो इस प्रोसीजर में हम लोग 80-90% तक फैट सेल निकाल देते हैं। तो एक बार यदि हमने वो फैट सेल निकाल दिए हैं, तो वहां पर अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे या अच्छा प्रॉपर लाइफ स्टाइल नहीं रहेगी, तो भी उस जगह पर तो फैट डिपोजिशन नहीं होगा फिर से। सो इसे कह सकते हैं कि वो परमानेंट रहता है और जिस जगह हम करते हैं सिर्फ उसी जगह उसका असर विजिबल होता है, बाकी जगह नहीं होगा। डॉक्टर सुमित, अब हम ये जानना चाहते हैं कि लाइपोसक्शन एज अ प्रोसीजर परफॉर्म कैसे किया जाता है, क्या ये एक सर्जरी है और कितना सेफ है ये? इट्स अ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, मतलब इसमें बिल्कुल मिनिमम स्कारिंग या मिनिमम इंसिजन लगा के किया जाता है। तो इसमें हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं, मोस्टली डिपेंड करता है किस पार्ट में कर रहे हैं। यदि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया रहता है, अपर पार्ट में कर रहे हैं चेस्ट में या आर्म्स में तो जनरल एनेस्थीसिया रहता है। प्रोसीजर जो रहता है बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर रहता है, सुपरफिशियल प्रोसीजर रहता है, मीन्स हम लोग सभी स्किन के नीचे रहते हैं, वहाँ पर कोई वाइटल ऑर्गन नहीं रहता है, कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स नहीं रहते हैं, तो मेजर कोई रिस्क फैक्टर या साइड इफेक्ट होने की संभावना कम रहती है। और ड्यूरेशन जो प्रोसीजर का डिपेंड करता है, कितना वॉल्यूम है फैट का निकलना और कितने एरियाज हम लोग साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर, एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितने परसेंट विमेन और कितने परसेंट मेन है जो इस सर्जरी को ऑप्ट करते हैं? क्या विमेन ज्यादा है, बिकॉज अगेन एक नो बॉडी इमेजिंग एंड बॉडी कॉन्शियसनेस लेडीज में ऑफकोर्स ज्यादा है कहीं ना कहीं? डेफिनेटली जो 70% केसेस रहते हैं फीमेल्स के रहते हैं, उसमें भी दो क्लासेस के पेशेंट्स रहते हैं फीमेल्स में। एक पोस्ट प्रेगनेंसी जिनका कंप्लीट फैमिली हो चुकी है, उसके बाद वो करवाते हैं कि 40s में जो रहता है, और उससे ज्यादा 50-60-70% जो रहती है अनमेरिड फीमेल्स रहती है जिनका शादी का एज रहता है 24-26 का एज रहता है, वो थोड़ी ओवरवेट रहती है। सो उस तरह के लोगों में भी ये सेफ है, फ्यूचर में प्रेगनेंसी होने में, कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होती लाइपोसक्शन के द्वारा। ओके, सो एब्सोल्युटली सेफ है और ऐसा नहीं है कि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत आती है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जब आपका वेट, जब ओवरऑल आपकी बॉडी इन शेप दिखती है, तो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है। सो डेफिनेटली लाइपोसक्शन को एज एन ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पर सेफली लाइपोसक्शन परफॉर्म किया जा सकता है? देखिए, लगभग बॉडी के मोस्ट ऑफ द पार्ट में किया जा सकता है। जैसे फेस से स्टार्ट करें तो चिन एरिया एक मंगली होता है कि डबल चिन होता है उसमें करते हैं। ब्रेस्ट में किया जा सकता है, लेटरल साइड ऑफ द ब्रेस्ट में, आर्म्स में होता है, हिप्स में होता है, लव हैंडल्स में, अब्डोमेन में, थाइज में, काफ्स में रेयरली होता है। जो फैट है या सबक्यूटेनियस फैट है उसे निकाल सकते हैं। जैसे अब्डोमेन में जो बल्ज रहता है या बल्किनेस रहती है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल फैट और सबक्यूटेनियस फैट दोनों की वजह से होता है। तो हम लोग सर्जरी से पहले पेशेंट को देख के बता पाते हैं कि इसमें कितना फायदा होगा। यदि इंट्रा एब्डोमिनल फैट ज्यादा है तो उसमें उतना फायदा नहीं होता है, लेकिन यदि सबक्यूटेनियस फैट या स्किन और मसल्स के बीच का जो फैट ज्यादा है तो वो डेफिनेटली उसमें ज्यादा फायदा होता है। बाकी आर्म्स और थाइज में जितना भी फैट होगा स्किन और मसल्स के बीच में, हम लोग सर्जिकली निकाल सकते हैं। इस प्रोसीजर का ड्यूरेशन जैसे मैंने अभी बताया 1-4 hours तक हो सकता है। 1 day हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके बाद हम लोग प्रेशर गारमेंट या कंप्रेशन गारमेंट पहनने का बोलते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट 1-2 week डिपेंड करता है, 3 weeks तक भी पहनना पड़ सकता है, जो नॉर्मल कपड़ों के अंदर पहन सकते हैं। और मेडिसिन रहती हैं जो कि आपको 1 week तक लेना रहती है, जिसमें स्वेलिंग की दवाई, रेडनेस की दवाई रहती है।
आज अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें कि इसमें क्या साइड इफेक्ट होंगे, तो डेफिनेटली कोई भी प्रोसीजर करेंगे तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। तो साइड इफेक्ट इसमें स्किन से रिलेटेड होते हैं, मतलब सुपरफिशियल प्रोसीजर स्किन को एड्रेस करते हैं, स्किन में ट्रॉमा होता है तो स्किन से रिलेटेड साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, अनइवननेस होना, कहीं हार्ड लंप बनना, कहीं पे कुछ सीरोमा बनना, तो ये सब चीजें कोई भी परमानेंट या लॉन्ग टर्म या बड़ा साइड इफेक्ट होने का कोई रिस्क इसमें नहीं रहता। ओके, अच्छा डॉक्टर, व्हाट लाइक मेक्स अ पर्सन एन आइडियल कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन? लाइक आप कैसे ये देखकर बताते हैं कि ठीक है अब इस पे हम लाइपोसक्शन प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं? अब इसमें एक जो इंडिकेटर रहता है बीएमआई रहता है, लेकिन वो बीएमआई अगर हम नहीं समझते तो आप मान के चलिए कि अगर सिंपल भाषा में बात करें तो यदि 5'3" या 5'2" का हाइट का कोई फीमेल है तो यदि उनका वेट रेंज 80 है 90 केजी तक है तो सेफली किया जा सकता है। यदि उससे ज्यादा वेट होता है 100 के ऊपर रहता है तो हम लोग नहीं करते हैं, उसमें हम लोग बेरिएट्रिक सर्जरी का एडवाइस करते हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर, फॉर एग्जांपल अब अगर कोई फीमेल है जो 55 या 60 केजीज की है और दिखने में वो स्लिम है लेकिन कहीं ना कहीं शी इज वरिड अबाउट हर टमी और द लव हैंडल्स या बल्जेस, तो क्या जो इस वेट रेंज में भी आती हैं फीमेल्स या फिर इवन मेल्स, आप उन पे भी लाइपोसक्शन परफॉर्म करते हैं? एग्जैक्टली, ये काफी सारे पेशेंट्स रहते हैं जो हाइट अच्छी 5'3" हाइट है, सपोज 5'4" हाइट है, लेकिन उनका वेट सिर्फ 50 रहता है, वो भी आते हैं हमारे पास। उनका कई पार्ट ऐसे रहते हैं बॉडी के जहाँ का पैड जाता ही नहीं है, मतलब वो बल्जेस दिखते रहते हैं, कई बार सेडल बैक रहता है, कई बार लव हैंडल रहता है, किसी का थाई का पार्ट रहता है, तो उस तरह के केसेस के लिए तो लाइपोसक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। अच्छा सर, आपने हमें लाइपोसक्शन के बारे में बताया तो एक और चीज बताइए, बिकॉज ये अगेन हर जो पोटेंशियल पेशेंट है वो जानना चाहता है कि स्कारिंग की कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी रहती है और रिकवरी में ओवरऑल कितना टाइम लगता है? ये जैसे मैंने बताया कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, मतलब इसमें सिर्फ छोटे छोटे होल होते हैं, कुछ मिलीमीटर के होते हैं, 3-4 मिलीमीटर के, सो प्रैक्टिकली वो होल का सिंगल सूचर लगाया जाता है जो का स्कार शुरू के 2-3 हफ्ते तक दिखता है, और आफ्टर केयर या कितने समय तक आराम करना पड़ता है तो मोस्टली हम लोग उसमें 2 दिन के बाद लगभग सारी रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, अगर किसी ने अपने टमी एरिया पर लाइपोसेक्शन कराया और आर्म्स पे कराया है और फर्ज करिए कि वो 30 साल की हैं, तो अब क्या ऐसा है कि वो अपने लाइफ लॉन्ग उनका टमी और आर्म्स एकदम इन शेप इन टोन रहने वाले हैं, या उसके बाद उनको ध्यान देना पड़ेगा या कुछ मेंटेनेंस टचअप सेशंस भी करवाने पड़ते हैं? ये क्या होता है, इसमें लाइपोसक्शन में आपको इसके बाद भी लाइफस्टाइल तो मेंटेन रखना पड़ती है, ये लाइफस्टाइल का अल्टरनेटिव नहीं है, डाइटिंग एक्सरसाइज का अल्टरनेटिव नहीं है, तो वो लंबे समय तक अगले 20-30 साल तक भी मेंटेन करके रख सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर सुमित, हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको कुछ टिप्स आप बताइए कि लाइपोसक्शन कराने से पहले उन्हें किन किन बातों का ध्यान देना है, या अगर किसी पेशेंट को हाई डायबिटीज है या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज है तो क्या वो एलिजिबल है लाइपोसेक्शन के लिए, तो क्या क्या टिप्स जो हैं वो अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई सर्जिकल ऑप्शन को नहीं चुनना चाहिए, सबसे पहले हम लोग डाइटिंग और एक्सरसाइज पे जाना चाहिए, डाइट में भी हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हम लोग बोलते हैं, तो कोई भी पेशेंट पहले आता है तो हम लोग बोलते हैं कि आप ये सब कुछ ट्राई कर लो, अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो हम लोग कुछ उसमें इंटरवेंशन करेंगे। हर सर्जरी के पहले हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप जो बताया डायबिटीज हाइपरटेंशन, तो ये सब चीजें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है इस प्रोसीजर के लिए, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो शुगर है वो कंट्रोल में रहे, उसके लिए हम मेडिकल एक्सपर्ट को दिखाते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, तो इस तरह के पेशेंट में भी ये प्रोसीजर किया जा सकता है जस्ट एक मेडिकल गाइडेंस के अंडर। ओके, एंड डॉक्टर ओवरऑल हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको आप कुछ कहना चाहते हैं कि उनका वजन जो है वो कंट्रोल में रहे? बस जस्ट इतना कहना चाहते हैं कि ये एक ओबेसिटी है, बहुत ही बढ़ती हुई प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, सो हमें मोबिलिटी बढ़ाए रखना चाहिए, जैसे आजकल काफी लोग मोबाइल में या इंटरनेट पे काम करते हैं तो वो लगातार बैठे रहते हैं, तो आप लगातार अपना पोस्चर चेंज करते रहें, मोबिलिटी थोड़ा चलते रहें बीच बीच में। ओके, एंड सर अपने क्लिनिक के बारे में, अपने सेंटर के बारे में थोड़ा ब्रीफ में आप जल्दी से बता दीजिए कि और क्या क्या सर्विसेज होती है वहाँ? जेनिथ कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर पिछले 12 साल से है और इसमें हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी सारी करते हैं, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट, राइनोप्लास्टी, ब्रेस्ट सर्जरी, हाइमेनोप्लास्टी, वेजाइनल सर्जरी, जेंडर चेंज सर्जरी, पेनिस का सर्जरी, पेनिस इनलार्जमेंट, पेनिस का गर्थ इंक्रीज, सो काफी वेराइटीज ऑफ कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी करते हैं हम लोग। इंदौर के अलावा भोपाल, नागपुर, रायपुर, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, 8 शहरों में मंथली विजिट करते हैं फॉर सर्जरी। ओके, एंड सर जाते जाते क्योंकि हमारे शो का सेगमेंट है टिप ऑफ द डे, तो सभी व्यूअर्स को कोई एक टिप जो आप देना चाहें? टिप सिर्फ यही है कि आप खुश रहें और लोगों को खुश देती रहें, तो उससे आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहेंगे और आपको हमारे पास आने की जरूरत ना पड़े, यही चाहते हैं।
ऐसे ही स्वस्थ रहें, आपका वेट सही रहे और प्रॉपर लाइफस्टाइल आप मेंटेन करते रहें। ओके, तो यहाँ पर हमें डॉक्टर सुमित ने बड़ी अच्छी एडवाइस दी है। सो थैंक यू डॉक्टर सुमित, आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने सबके साथ शेयर की। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर सुमित जिन्होंने आज हमें बताया लाइपोसक्शन के बारे में कि यस ये प्रोसीजर सेफ है, लेकिन हाँ इसे डाइटिंग का अल्टरनेटिव बिल्कुल ना माने, इसे एक्सरसाइज का अल्टरनेटिव बिल्कुल ना माने, एक अच्छे सर्जन से ही लाइपोसक्शन प्रोसीजर आप करवाएं। और इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब लेती हूँ आपसे इजाजत, मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड में नए सुपर स्पेशलिस्ट नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। टिल देन आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो, अच्छी सेहत हमारा वादा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।